हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो मैं भी अभी ठीक ही हूँ। तो गाइस, मैं आ गया हूँ वृंदावन। तो आज मैं कराऊंगा आपको वृंदावन के दर्शन। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगी। तो गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो पर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, तो मैं हूँ अभी प्रेम मंदिर वृंदावन से 3 किलोमीटर दूर और यहाँ पे अभी एक पागल बाबा का मंदिर भी है जिसके दर्शन अभी करेंगे हम। तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग वगैरह भी लिखी है, 7 से 12 बजे तक और 3 से शाम को 6-7 बजे तक ये खुलता है। और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है पावल बाबा का, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और सामने ये पानी का कुंड छोटा सा, और इस पानी के कुंड में एक कछुआ दिखाई दिया हमें, जो आप भी देख सकते हैं। अगर आप भी वृंदावन आ रहे हैं तो यहाँ 3 किलोमीटर पीछे पागल बाबा का ये मंदिर है, तो यहाँ के दर्शन भी जरूर करके जाएं आप सभी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ के दर्शन मैंने बार बार से किए और इसके बाद अब मुझे जाना है प्रेम मंदिर। दोस्तों, तो मैं पागल बाबा मंदिर के दर्शन करके अब जा रहा हूँ प्रेम मंदिर की ओर। तो गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ वृंदावन और अब कराऊंगा आपको वृंदावन की सैर। तो अभी जा रहा हूँ मैं प्रेम मंदिर की ओर। तो मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं होली की वजह से कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। दोस्तों, तो अब यहाँ पर सारा ये जो एरिया है ये प्रेम मंदिर का ही है। तो मैं पहुँच गया हूँ प्रेम मंदिर और यहाँ आप देख सकते हैं अब यहाँ पर कितने लोग यहाँ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये होली का टाइम है तो वैसे भी यहाँ पर भीड़ अक्सर ज़्यादा ही मिलेगी आपको अगर आप आएंगे होली के टाइम में तो। और यहाँ मंदिर के बाहर सारी शॉप्स वगैरह लगी हुई है हर एक तरह की। और ये सामने मंदिर का मेन गेट प्रेम मंदिर और ये सामने प्रेम मंदिर और उसके आसपास का नज़ारा। तो आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए। और ये यहाँ से इसकी एंट्री है जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ से अभी अंदर जाएंगे। अगर आपके पास अपना बैग या कुछ भी है तो आप यहाँ से पीछे काउंटर है वहाँ पर जमा करा सकते हैं, 30 से 40 रुपये पर बैग लगते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर, गेट के अंदर। तो अभी आप दर्शन कर सकते हैं प्रेम मंदिर के, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है ये। और यहाँ पर एक झांकी भी है कालिया नाग की, जिसके ऊपर श्री कृष्ण जी कान्हा जी विराजमान हैं और नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों, संगमरमर के पत्थरों से बना ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है वृंदावन में प्रेम मंदिर। और इस मंदिर में बहुत सी ऐसी झांकियां भी देखने को मिलती है हमें राधा कृष्ण की। तो अभी आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है, यहाँ फूल ही फूल लगाए गए हैं और उसके बीच में ये मूर्तियां विराजमान है जो। दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण जी विराजमान नृत्य करते हुए। तो ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आपके सामने। और अभी चलते हैं थोड़े और आगे। Thank you.
दोस्तों, तो पहले यहाँ पर आया नहीं जाता और जब यहाँ आ जाओ तो यहाँ से वापस जाया नहीं जाता। इतना खूबसूरत है ये प्रेम मंदिर। तो अभी आपको एक और झांकी दिखाते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी की। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत ये झांकी यहाँ पर दर्शाई गई है। दोस्तों, आप सभी यहाँ पर प्रेम मंदिर की खूबसूरती देख देख के थक जाओगे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती कभी कम नहीं होगी। और अभी तो जैसे जैसे यहाँ पर शाम होगी और लाइटिंग होगी, उसके बाद इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। तो बस अभी आप आगे आगे देखते जाइए। और अभी आपके सामने यहाँ पर फाउंटेन शो, ये पानी का फुहारा जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और इसके आसपास का व्यू। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे यहाँ पर सभी लाइट्स ऑन कर दी जाएगी और ये प्रेम मंदिर देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर रथ पर हमारे कृष्ण जी विराजमान। तो यहाँ पर इसी तरह से पूरे यहाँ पर प्रेम मंदिर को सजाया गया है, जगह जगह पर झांकियाँ बनाई गई है श्री कृष्ण की और उनके रास लीलाओं की। तो अभी आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर का नज़ारा। तो इस झांकी को आप देखिए, ये श्री कृष्ण जी के रासलीला की झांकी। और अगर इस तरफ को देखें हम तो यहाँ पर लोगों की भीड़, और अपने पीछे को देखें तो यहाँ पर प्रेम मंदिर सजा हुआ लाइटिंग से। और ये आरती का टाइम है, 8 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, तो इसलिए इस टाइम यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। तो जी, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत जिसे श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों पर उठाया है। तो अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। वेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पर्वत के ऊपर से आता हुआ नीचे को पानी, और नीचे श्री कृष्ण जी ने किस तरह इसको अपने हाथों पर उठाया हुआ है। तो इससे आगे चलने पर हमें और झांकी देखने को मिलती है यहाँ पर कृष्ण जी की। जो अभी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पूरे मंदिर में इस तरह की झांकी आपको देखने को मिलेगी। तो आप अगर यहाँ नहीं आए तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। तो अब मैं धीरे धीरे करके बाहर की ओर जा रहा हूँ। और अभी आप एक प्रेम मंदिर का नज़ारा देखिए, लाइटिंग लाइटिंग कितना खूबसूरत ये अब लग रहा है।
इससे खूबसूरत यहाँ पर और कुछ नहीं है अगर आप शाम के समय यहाँ पर घूमने के लिए आए तो। तो यहाँ पर पालकी में श्री कृष्ण जी विराजमान, एक और झांकी है। राधा कृष्ण की ये झांकी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से बाहर को। अंदर का नज़ारा तो आप देख ही चुके हैं मंदिर का। तो अभी मैं आ गया हूँ मंदिर के बाहर और बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पर होली के टाइम में किस तरह का और कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो होली के टाइम में अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको इसी तरह की भीड़ देखने को मिलेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइए कमेंट करके और वीडियो में एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा, ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।